हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज हम जाने वाले हैं चित्रकूट धाम, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध धाम है जहां राम जी 13 वर्ष गुजारे हैं। इसके अलावा वहां पे कामतानाथ स्वामी मंदिर भी है, वो भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वहां भी हम जाएंगे, परिक्रमा करेंगे। और अभी हम वहाँ से दूर हैं 70 किलोमीटर एक गाँव में, और यहाँ से हम सीधे जाएंगे चित्रकूट धाम। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तब हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे में और रुके हैं ढाबे में चाय वगैरह पीने के लिए। फिर इसके बाद हम निकलेंगे सीधे चित्रकूट धाम। दोस्तों, ये है श्री महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट प्रमुख द्वार, जो कि आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच है। और लोग यहाँ से जाते हैं, इधर से आपका रास्ता पड़ेगा और ये प्रसाद वगैरह यहाँ से मिलता है। और 2.5 करोड़ रुपए के आसपास इसमें सैंक्शन हुए हैं। और आप अगर चित्रकूट जाते हो तो रास्ते में पड़ता है तो आप ज़रूर जा सकते हो यहाँ भी। रामघाट में आप पीछे देख सकते हो, इसे यहाँ चौपाटी भी बोल सकते हैं। और पीछे आप देख सकते हो ये ब्रिज है उस पार जाने के लिए। और पीछे नाव वगैरह भी आप देख सकते हो, लोग नौका विहार भी यहाँ पे करते हैं। और काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ का। कामतानाथ जी के मंदिर में जा रहे हैं दर्शन के लिए। काफी भीड़ है यहाँ पे लोगों की। देखिए देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ है। यहाँ पर मेन गेट है, ये यूपी में आता है। इसके बाद चारों दिशा जो आती है एमपी में, सिर्फ गेट पर यूपी में। आपका जो ये मुख्य द्वार है ये उत्तर प्रदेश में आता है, और जो बाकी के द्वार हैं वो आते हैं मध्य प्रदेश स्टेट में। हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, और आप यहां मंदिर में देख सकते हैं लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ है। और लोग यहां पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है चित्रकूट का। अगर कोई चित्रकूट आता है तो कामतानाथ जी के मंदिर ज़रूर जाता है। अगर आप चित्रकूट गए हैं और ये मंदिर नहीं आए तो आपका चित्रकूट आने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर आते हैं तो ज़रूर आएँ।
इसको अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो परिक्रमा भी कर सकते हैं, जो कि 5 किलोमीटर पड़ेगा आपको। तो ये देखिए परिक्रमा मार्ग है 5 किलोमीटर, और आपको पूरा 5 किलोमीटर लगाना पड़ेगा। ये रास्ता जो दिख रहा है आपको, इधर से पूरा घूमते हुए मंदिर जो उस पार से इधर से आप आएंगे, और ये 5 किलोमीटर पड़ता है। तो कांतानाथ जी के दर्शन के बाद अब हम जाएंगे अरुण घाट, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है। फिर वहाँ आपको दिखाते हैं वहाँ का दृश्य। तो दोस्तों हम आ चुके हैं आरोग्य धाम गेट के पास, जहाँ पे ये छोटी सी जगह है जहाँ पे लोग नहाते हैं, स्नान वगैरह करते हैं और बैठते हैं। काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण है यहाँ का, लोग यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। कई ऋषि मुनि भी यहाँ के बैठते हैं, और नहाने की बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो अगर आप चित्रकूट आते हो तो इस जगह पर स्नान ज़रूर करना, ये बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखिए छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर दिख रही हैं। कई सारी मछलियाँ हैं और लोई लाए होते हैं आटा की ना, तब देखते हैं मजा। अच्छा पकड़ने तो नहीं आते हैं कोई मछली? अरे कुछ नहीं है, जब वो कुछ खिलाते हुए लाते हैं तो बढ़िया आ जाते हैं। अच्छा, इसमें पैर डाल के आराम से मास्क बैठे रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए अलविदा।